गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का गृह विज्ञान की इकाई 5 का वह सेक्शन पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कुपोषण। अब इसके पहले हमने देखा था कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से कुपोषण के रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि विटामिन्स की कमी से और खनिज तत्वों की कमी से कुपोषण के कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो विटामिन की कमी से सबसे पहले बेरी बेरी रोग होता है। यह विटामिन बी थायमिन की कमी से होने वाला रोग है। जो बेरी बेरी रोग होता है उसको विटामिन बी थायमिन कहते हैं, तो आप विटामिन बी बोलें या थायमिन बोलें एक ही है, कि कमी से होने वाला रोग है। और इसमें अब इसके कारण देखते हैं कि ये किन किन कारणों से होता है। तो सबसे पहली बात है कि आहार में जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन में विटामिन बी की मात्रा कम उपयोग करते हैं या आहार में कम मात्रा में विटामिन बी खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करने से बेरी बेरी नामक रोग होता है। या तो फिर पर्याप्त मात्रा में लिया गया थायमिन, यदि हम पर्याप्त मात्रा में थायमिन ले रहे हैं और उसका किन्हीं कारणों से अवशोषण नहीं हो पा रहा है तो भी बेरी बेरी रोग हो सकता है। और शरीर में इसकी आवश्यकता बढ़ गई हो और उसकी पूर्ति ना हो पा रही हो, जैसे कि गर्भावस्था या लैक्टेशन आदि के समय भी इस रोग के लक्षण देखे जा सकते हैं। अब बेरी बेरी के लक्षण है भूख न लगना और आंखों में सूजन, त्वचा में जलन, थकावट, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में कमजोरी और मांसपेशियों में कमजोरी, थकावट, भूख न लगना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, हाथ पैर सुन्न पड़ जाना और हृदय की गति का बढ़ जाना, ये सब कारण है बेरी बेरी के। अब इसके उपाय देखते हैं कि बेरी बेरी रोग से हम किस तरह बच सकते हैं। तो सबसे पहला है चावल, गेहूं और दालों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन के रूप में अधिक करना और फल, दूध, अंडा, मांस, हरी सब्जियां, टमाटर का उपयोग करना और विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी प्रतिदिन खाना चाहिए, जिससे कि आपका जो कमी है उस कमी को पूरा किया जाए। खाद्य पदार्थों के साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां भी खाना चाहिए। अब है, अभी बेरी बेरी पढ़ी, अब है दूसरी बीमारी पेलेग्रा। यह पेलेग्रा बीमारी विटामिन B3 निकोटिनिक एसिड, B3 किसको बोलते हैं, निकोटिनिक एसिड की कमी से पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। और अब है इसके कारण, सबसे सरल और कारण क्या है कि हम इसको आहार में कम मात्रा में ले रहे हैं तो शरीर में उसकी कमी हो रही है और हमको वो बीमारी हो रही है। तो आहार में कम मात्रा में लेना और लिए गए B3 का अवशोषण ना होना। यदि हम पर्याप्त मात्रा में निकोटिनिक एसिड भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ के रूप में ले रहे हैं पर उनको अवशोषण हमारे शरीर में उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा है तो भी पेलेग्रा बीमारी का कारण है। फिर है इसमें क्या आता है, पेलेग्रा को 3-डोज रोग भी कहते हैं क्योंकि इनमें 3D के लक्षण दिखाई देते हैं।
डायरिया, त्वचा का रूखापन आदि। पहले ग्रह बीमारी में डायरिया है, त्वचा का रूखापन जिसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं ये आदि है। और इसके उपाय में है, इसके उपाय में क्या है कि निकोटिनिक एसिड, अंकुरित अनाज, खमीर, आलू, सोयाबीन, सेम, मटर आदि, मछली, मांस आदि में भरपूर मात्रा में मिलता है, तो उनका सेवन करने से पहले ग्रह बीमारी को दूर किया जा सकता है। अब है स्कर्वी, ये रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है और विटामिन सी के कार्य क्या है, शरीर में घाव भरने में, अगर कहीं चोट लग गई है कुछ है तो विटामिन सी अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो वह घाव जल्दी भरने में मदद कर देगा। फिर रक्त का निर्माण करने में विटामिन सी सहायक होता है और रोगों से रक्षा करना, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी विटामिन सी महत्वपूर्ण होता है। अब स्कर्वी के लक्षण क्या है, शरीर का दुबला होना, व्यक्ति दुबला और क्षीण हो जाएगा, त्वचा में सूजन आना, दांत एवं हड्डियां प्रभावित होती है, दांत एवं हड्डियां प्रभावित होती है, ये क्या है, स्कर्वी रोग के लक्षण है। इसमें शरीर दुबला हो जाएगा और एनीमिया, शरीर में खून की कमी हो जाएगी, त्वचा और सिर के बाल रूखे हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी, मसूड़े की समस्या उत्पन्न होने लगेगी और मसूड़ों का रंग हल्के जामुनी रंग का भी हो जाएगा और उससे बदबू, मुंह से बदबू आने लगती है। अब है इसके उपाय, विटामिन सी की कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवले में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, जैसे आंवला, टमाटर, नींबू, संतरा और अंकुरित चना, इन सब का सेवन करने से विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब है कि विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो पहला है जीरोसिस, विटामिन ए की कमी से जीरोसिस, रतौंधी और केरेटोमलेशिया नामक रोग होते हैं। जीरोसिस, इसमें क्या है कि आप आंखों की रोशनी क्या है, कम हो जाती है, जीरोसिस में आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इस समय दृष्टि बहुत कम या लुप्त हो जाती, एकदम से तो नहीं होती, धीरे धीरे क्या होती है, रोशनी कम होने लगती है। इसके इलाज के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले क्या खाना चाहिए, हरी पीली साग सब्जियां, दूध, अंडे, हरी सब्जियां, दूध, अंडे, आम, पपीते, केले, नारंगी और गाजर, टमाटर आदि खाना चाहिए, जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है और हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा है रतौंधी, ये विटामिन ए लंबे समय तक कमी होने से रतौंधी देखी जा सकती है। अंधेरे में देखने के लिए विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता, जिससे प्रकाश में आने पर यह विघटित हो जाता है और अंधेरे में आने पर पुनः यह प्राप्त हो जाता है। तो रतौंधी में क्या होता है कि जब प्रकाश रहता है उसे। अब है
जेड अब है कैरेटो मलेशिया। यह आहार में विटामिन ए बहुत अधिक जब कम हो जाता है, जब विटामिन ए बहुत कम हो जाए और रतौंधी बहुत अधिक बढ़ जाए, तब यह जो आंखों के आंसू होते हैं वह सूख जाते हैं। इस अवस्था में नेत्र रोग के अन्य लक्षण जैसे आंखों का लाल पड़ जाना, उनमें मवाद आ जाना, पानी निकलना, कीचड़ आना, ये सब लक्षण केराटोमलेशिया में है। आंखों से पानी आना, क्योंकि विटामिन ए की कमी से सबसे ज्यादा आंखों में परेशानी होती है, कीचड़ आना और पानी निकलना, कीचड़ आना, ये सब होते हैं जिससे पलकें आपस में चिपक जाती हैं कीचड़ आने से, और आंखें हमेशा के लिए कभी कभी अगर ध्यान ना दो तो आंखें बंद भी हो जाती हैं। इसके उपाय के लिए सबसे पहला है हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जी सारे रोगों में फायदेमंद होती है, इससे लोह तत्व की भी प्राप्ति होती है। मौसम के फल जैसे केला, पपीता, टमाटर, संतरा, इनका सेवन करना। अगर अंडा, मांस, मछली का सेवन करना, इन सबके सेवन से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब ये विटामिन डी की कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से सूखा नामक रोग हो जाता है और इस समय हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर और छेद युक्त हो जाती हैं, और बड़े होने पर इसे ऑस्टियोमलेशिया भी कहते हैं। इस समय कैल्शियम और फास्फोरस ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाते, अर्थात हड्डियां मजबूत नहीं हो पाती। उपाय क्या है कि प्रातः काल सूर्य की धूप में आप बैठे, उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। सबसे सरल और आसान स्रोत है विटामिन डी का सूर्य का प्रकाश। कुछ नहीं करना, 5-10 मिनट सुबह के जो धूप निकलती है बैठ जाए, फिर चूने के पानी का प्रयोग करना, फल, अंडा, दूध पिए और ऑस्टियो कैल्शियम की गोलियां आदि खाएं। फिर खनिजों की कमी से नैना या गोइटर रोग हो जाता है। आहार में एवं पानी में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न होने पर थायराइड ग्रंथि की निष्क्रियता एवं सक्रियता के कारण यह घेंघा या गोइटर रोग हो जाता है। घेंघा या गोइटर में बच्चों देखा होगा, ये गला ऐसा बाहर उभर कर निकल आता है, खूब बड़ा ऐसा गला दिखने लगता, मोटा मोटा, वह कहलाता है घेंघा या गोइटर रोग। आयोडीन की कमी से यह रोग होता है। इस तरह से कुपोषण का ही लक्षण है। आहार में यदि और पानी में आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा जितना आवश्यक, या तो उसकी कमी या तो अधिकता गोइटर रोग का कारण होती है। इसके लक्षण है गला सूज जाता है और थायराइड ग्रंथि के अधिक कार्य करने के कारण ऐसा होता है। फिर थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि होने के कारण, श्वास नली पर दबाव पड़ने के कारण आवाज कर्कश हो जाती है। और इसका उपाय है कि आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ नियमित रूप से लेते रहें तो गोइटर रोग को दूर किया जा सकता है। और आयोडीन की टेबलेट्स भी प्रतिदिन लें तो इनसे खनिज तत्वों की कमी पूर्ति होती है। बच्चों, ये आज आपका यहाँ पर कुपोषण वाला पाठ खत्म होता है। आप इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और लिखेंगे, याद भी करेंगे।